हेलो फ्रेंड्स, आज का द शॉर्ट रिव्यू मार्वल वर्सेस कैपकॉम इन्फिनिटी का, जिसमें विलन है थैनोस और अल्ट्रॉन। मेन विलन अल्ट्रॉन है और उसमें वैनम भी अब की बार। तो इस गेम का शॉर्ट रिव्यू PS4 और PC में अवेलेबल है और उसका PC का सेटअप बहुत बड़ा है, पर लगभग 54 GB का, या फिर मैंने कुछ कम बोल दिया। सेटअप बहुत बड़ा है और इस गेम ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है जिन्होंने मार्वल वर्सेस कैपकॉम अल्टीमेट वाली खेली है, मतलब अल्टीमेट मार्वल वर्सेस कैपकॉम 3 खेली है, सबसे डिसअपॉइंट। इसमें इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, सुपर हीरोज है, पर क्वालिटी और ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। पर इसकी बुरी बात यही है कि 2v2 है यह, और इसमें स्ट्रीट फाइटर के भी प्लेयर थोड़े कम हैं। जैसे कि मार्वल वर्सेस कैपकॉम की पिछली गेम में अकुमा था, तो इसमें अकुमा नहीं है, हालांकि मेगा मैन है। पर इसमें कुछ और नए कैरेक्टर्स बिल्कुल है, सुपर हीरोज है, पर कैपकॉम के हिसाब से ना के बराबर कुछ हैं। हालांकि इसके मुकाबले देखा जाए मार्वल वर्सेस कैपकॉम थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है इससे, उसके अल्टीमेट अटैक और सुपर मूव्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं, इससे ज़्यादा इफेक्टिव। और इन्फिनिटी गेम्स इतनी इफेक्टिव नहीं है इसके सुपर मूव्स भी। और डांटेस वास अकेला उसमें, उसके कम से और भी साथी थे, और वैनम, विंटर सोल्जर और DLC कैरेक्टर के अलावा कुछ खास गेम बढ़िया है नहीं है। हालांकि गेम बड़ी अच्छी है, उसके मतलब ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं क्वालिटी करके, पर फिर भी यार कुछ नया इसमें होना चाहिए था। और 3v3 नहीं है अब की बार, ये बात बुरी है इसमें कि 2v2 ये तो जैसे जैसे कि गेम बैक हो गई हो, पर इसी वजह से गेम अच्छी नहीं है थोड़ी सी। और फिर भी अगर आपको अच्छी लगे तो खेल सकते हैं, कि नोवा पिछली गेम उसमें भी था और अल्ट्रॉन भी है इसमें। तो फिर मिलते दोस्तों नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो बस इतने तक ही थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।